टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहां एक तरफ देश भर में हिंदू मुस्लिमों के बीच में कुछ शरारती तत्व आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में शरारती तत्वों को करारा जवाब देते हुए मुंब्रा में हिंदू मुस्लिम एकता इफ्तार पार्टी में देखने को मिली है। ये इफ्तार पार्टी यूनुस शेख और शहर शेख की तरफ से रखा गया था, जिसमें मुंब्रा शहर के कई हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए थे। इफ्तार पार्टी के बाद इन्हीं हिंदू भाइयों ने देश में नफरत फैलाने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। माहौल खुशी का है, रोजे का है, इतना अच्छा माहौल है। ये महीना जो पाक महीना है, इसमें मेरे सभी मुस्लिम भाई हम सबके लिए दुआ करते हैं और ऊपर वाले से यही कहते हैं कि मेरे दोस्तों को, मेरे परिवारों को, सबको सुखी रखना, उनकी तरक्की हो, हम सब पे आपका साया हो, ताकि कोई बीमार हो तो भी आपके ऊपर देखने के बाद हम ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखते हैं और अपनी ज़िंदगी उसी से शुरुआत करते हैं। ये पाक महीने में हम सबको, ये जो मेरे मुस्लिम भाइयों ने आज ये कार्यक्रम रखा है, मैं मेरे भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने सभी समाज के लोगों को बुलाया और हमारी एकता को पहले जैसा ही उजागर किया है और ऐसे ही बाधित रखा है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हमारी राय मिल रही है, हम सबकी एक साथ राय है, मैं बशर्ते आपने जो कहा है उनका दौरा वो लोग ने करना चाहिए, लेकिन ये उनकी आँख खुलनी चाहिए। हम तो आँख खुले हैं, हमारे हाथ भी खुले हैं, हम एक दूसरे को अपना भी रहे, हम एक दूसरे को दोनों बाहें खोल के अपना रहे। वो लोगों की आँखें खुलनी चाहिए, उन्होंने आके हमारा मंदिर और मस्जिद का दौरा करना चाहिए और उन्होंने देखना चाहिए कि देखो ये गंगा जमुना की तहजीब जो है अपनी यहाँ पर, और ये कितनी अच्छी है। एक कहावत है हमारे, हमने हिंदुस्तान में एक देखा है, गंगा जमुना का जब मिलन होता है तो उसमें सरस्वती जो है ना वो लुप्त हो जाती है। तो ऐसे लोग हैं, किसी को लुप्त होना भी ज़रूरी है। उमरा से एक आवाज़ उठेगी और उनको ज़रूर इस चीज़ का इल्म करा के देगी कि आइए हम आपको रेड कारपेट देते हैं, आके देखिए हमारे मस्जिदों को और हमारे मंदिरों को, और उसके बाद जो उंगली उठानी है आप उंगली उठाइए, हम बाकी क्या है दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। आज मैं यूनुस भाई और सभी पत्रकार और जो भी अपने सभी धर्म के लोग आए उनका आभार मानता हूँ। और ये जो अभी सब बातें चल रही है अभी सियासती के, वो देखे कि मुंब्रा में क्या चालू है। ये जो आज जो माहौल तैयार किया है सभी भाइयों ने, वो एक मैसेज जाएगा अच्छा तो वो ऑटोमेटिकली गपचुप हो जाएंगे। क्या अब इधर कुछ गड़बड़ करना कुछ ज़रूरी नहीं है। ये देखो सब नगर सेवक, सब कोई सिख धर्म के लोग, हमारे सिख भाई, मुस्लिम भाई, ये सब मुंब्रा में एक मीनान से रहते हैं और वो कितना भी कुछ करे हम एक साथ ही रहेंगे। ऐसा मेरा सबसे लोगों का कितना ज़्यादा करके जो मसले है कोई भी, वो अपने को समझो कोर्ट कोई आदेश देगा या कोई करेगा, ये चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जो मुंब्रा की एकता है वो कायम रहेगी, क्योंकि आपने देखा है जब भी 2005 में दिवा में जब बाढ़ आई थी तो सबसे पहले यहाँ के मुस्लिम भाई गए थे, कोई माचिस लेके गया था, कोई चावल लेके गया था, कोई कांदा लेके गया था, जो ज़रूरी चीज़ है वो लेके गया था। अभी भी हमारे सुधीर भाई के नेतृत्व में, भाई के जो भी वो पाड़वा का एकता रैली निकाला, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई ने स्वागत किया है। और अभी जो मैं बताता हूँ, अभी जो हमारी हनुमान जयंती निकली तो संजय नगर का कोई एक ग्रुप है मुस्लिम लड़कों लोग का, उन्होंने हजारों तादाद से लोगों को पानी पिलाया। तो एक हमारी एकता ही है और इसको कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे जो विचार है, हमारे जो विचार है वो विचार, अपने जो विचार है वो विचार कायम रहेंगे। कोई क्या बके कोई बाके उस पर कोई ध्यान देना नहीं, अपने को जो 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 समाज ने अपने को सिखाया है लोगों की सेवा करना, एक साथ रहना, हम लोग मुंब्रा में एक साथ रहेंगे। मैंने अकेले ने नहीं रखा था, मेरे साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर कमेटी के हमारे बापू मकरे, साई सदन संगठन विशाल, उसके साथ में सिख ब्रदर्सहुड मुंबई, इस तरीके के कई हिंदू और सिख संगठन और मुस्लिम संगठन ने मिल के ये इफ्तार पार्टी रखी थी, ताकि ये एक मैसेज मुंब्रा कौसा से जाए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया को आप देखते हो कि लोग एक दूसरे के कॉपीज करते ये करते, तो हम ये चाहते कि इफ्तारी की लोग कॉपी करें और ये मैसेज महाराष्ट्र, इंडिया और इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू और सिख सब मिलकर रहते हैं।